नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके तीन हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया। इनमें किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं। आपको बता दें, इससे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और 3 फरवरी को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो चुका है। पर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि चुनावी साल में एक के बाद एक 5 देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने के पीछे कई राजनीतिक मायने हो सकते हैं। सियासी जानकार कह रहे हैं कि इससे मोदी सरकार ने अलग अलग राज्यों में कई समीकरण साध लिए हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाते हैं और इन हस्तियों के बारे में भी कुछ बताते हैं। सबसे पहले किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के रूप में कहे जाते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जाट बहुल सीटों पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का असर पड़ सकता है। इन इलाकों की करीब 40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट मतदाताओं का असर माना जाता है। चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी की भाजपा के साथ जाने की अटकलें पिछले कई दिनों से लगातार चल रही हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जयंत ने ट्वीट भी किया और लिखा कि दिल जीत लिया। जयंत चौधरी अगर भाजपा के साथ जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को काफी फायदा हो सकता है। अब विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमेशा आलोचना करते हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति उनका रवैया आलोचनात्मक है। नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान विपक्ष को करारा जवाब है, इसलिए भी क्योंकि भाजपा लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने बतौर प्रधानमंत्री राव के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया है। एमएस स्वामीनाथन बतौर वैज्ञानिक उनकी बेमिसाल उपलब्धियां रही हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनालिटी साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के लोगों का भी प्रतिनिधित्व करती है। स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न देने से दक्षिण को साधने की मोदी सरकार की रणनीति को और भी मजबूती मिल सकती है। स्वामीनाथन कृषि क्रांति के भी जनक थे, जिससे भाजपा की किसानों को भी साधने की कोशिश मानी जा रही है। लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन के अंदर आडवाणी को भारत रत्न देकर भाजपा ने विपक्ष से एक और मुद्दा छीन लिया और इससे ये भी दिखाया कि वे अपने वरिष्ठ नेताओं का कितना सम्मान करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इस साल सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय के नायक थे। जानकारों का कहना है कि केंद्र के इस कदम से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मदद मिल सकती है। बिहार में 27% पिछला और 36% अति पिछड़ा वर्ग है और कुल मिलाकर 63% की भागीदारी वाले समाज पर कर्पूरी ठाकुर का बहुत बड़ा प्रभाव है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जदयू के राज्यसभा सांसद हैं और कर्पूरी को भारत रत्न मिलने के 8 दिन बाद ही भाजपा और जदयू एक बार फिर साथ आ गए। चिराग पासवान, पशुपति कुमार और जीतन राम मांझी की पार्टियां पहले से ही एनडीए की साझेदार थी। ऐसे में नए सियासी समीकरणों का आधार बिहार में भाजपा खुद को काफी मजबूत मान रही है। आपका क्या सोचना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।